कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और सब चीजें आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए हमें निरंतरता की आवश्यकता होती है, कंटिन्यूटी की आवश्यकता होती है। और अगर हमारे पास कंटिन्यूटी है, टाइम टेबल है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वरना हम क्या है और लोगों से फिर पीछे हो जाते हैं। मेहनत तो हम भी करते हैं लेकिन उन सब चीजों में हम उन लोगों से पीछे हो जाते हैं। तो यही सब चीज आप ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी करें और आगे बढ़ाएं। और आप लोगों के साथ विनाइस कैंपस की पूरी टीम पूरी मेहनत के साथ लगी हुई है और आप लोगों के लिए नई नई वो चीजें लेकर आ रहे हैं हम लोग जो आपके एग्जाम से ताल्लुक रखती है। आलतू फालतू कोई भी क्लास नहीं ली जा रही है। और एक ये नहीं है कि आज कुछ उठा लिया कल कुछ उठा लिया, स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे होंगे। स्टेप बाय स्टेप के साथ साथ आप टॉपिक बाय टॉपिक, यूनिट बाय यूनिट आपको क्लास दी जा रही है, ताकि आप लोगों को हम सफलता बेहतर और जल्दी से जल्दी कम समय में दिला सके। तो यही हम सब चीजों का हमारा लक्ष्य है, विनाइस कैंपस की पूरी टीम का यही लक्ष्य है कि हम आपको कम समय में जल्दी और ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त करा सके। आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, आज आपका शनिवार है, करंट अफेयर का हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे करंट अफेयर में। इस बार का जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है वो है एबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। तो एबेल पुरस्कार 2022 के बारे में जानते हैं, इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे और फिर क्या है क्या नहीं, चलिए देखते हैं। टॉपिक है समसामयिक की घटना है और एबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, ठीक है। तो इस पे हमें काम करना है। देखिए, इसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। एबेल पुरस्कार का नाम नॉर्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबेल पुरस्कार, निल्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया था। तो याद रखना, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबेल पुरस्कार का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो नॉर्वे के एक गणितज्ञ थे, महान विद्वान हुए गणित के क्षेत्र में, तो निल्स हेनरिक एबेल, उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम एबेल पुरस्कार रखा गया, ठीक है, क्योंकि उनके नाम में एबेल जुड़ा हुआ था तो एबेल पुरस्कार कर दिया गया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उत्कृष्ट गणितज्ञ को दिया जाता है, मतलब प्रतिवर्ष जिसने भी गणित के काम में बेहतर कोई खोज नहीं करी हो, बेहतर कार्य किया हो, अपना बेहतर योगदान दिया हो और पूरे विश्व में एक प्रसिद्धि प्राप्त करी हो, तो ये उत्कृष्ट गणितज्ञ को दिया जाता है। क्लियर है यहां तक के, कोई समस्या? चलिए इसके बाद है, यह पुरस्कार शिक्षा मंत्रालय की ओर से, मतलब शिक्षा मंत्रालय की ओर से नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, तो शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो पुरस्कार देती है संस्था वो है नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा दिया जाता है। तो आप याद रखना, जो एबेल पुरस्कार है वो कौन सी संस्था देती है, नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। एबेल पुरस्कार की स्थापना या शुरुआत 2002-03 में की गई थी। देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, कुछ जगह 2002 लिखा हुआ आता है और कहीं 2003, लेकिन आप इतना मानना कि इसकी स्थापना जो हुई थी 2002 में हुई थी और जो पहला पुरस्कार दिया गया था वो 2003 में दिया गया था। मैं अभी बता दूंगा आपको, ठीक है, 2002 में हुई थी या 2002 में की गई थी। एबेल पुरस्कार की रकम, एबेल पुरस्कार में जो रकम दी जाती है वो लगभग 60 लाख नॉर्वेजियन, नॉर्वे की जो मुद्रा का नाम है वो है नॉर्वेजियन और नॉर्वेजियन क्रोन, ठीक है, तो याद रखना 60 लाख नॉर्वेजियन क्रोन इसमें जो रकम दी जाती है पुरस्कार में एबेल में, वो लगभग 60 लाख नॉर्वेजियन क्रोन की राशि दी जाती है। क्लियर है? अब नॉर्वे की मुद्रा अगर आपसे वैसे ही पूछ ले पुरस्कार ना पूछ के, तो नॉर्वेजियन है, नॉर्वेजियन क्रोन है या नॉर्वेजियन है, एक ही आंसर है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछ ले वर्तमान में कौन है, तो वो है
एर्ना सोलबर्ग। तो नॉर्वे के वर्तमान जो प्रधानमंत्री है वो है एर्ना सोलबर्ग। तो देखिए आप एक चीज जानिए कि हो सके वो पुरस्कार ना पूछे, कोई जरूरी थोड़ा है वो नॉर्वे की मुद्रा पूछ लेगा आपसे, क्योंकि नॉर्वे चर्चाओं में, नॉर्वेजियन साइंस चर्चाओं में नॉर्वे के प्रधानमंत्री पूछ लेगा, नॉर्वे की राजधानी पूछ लेगा आपसे। तो ये सभी चीजें करंट अफेयर से संबंधित होती है और यही हमें देखना पड़ता है कि हमारे इस घटना के इर्द गिर्द क्या चीज है, और वही बच्चा सक्सेस है जो इन चीजों को मल्टी होकर सोचे। और जैसे हम लोग आपके मल्टी तरीके से क्लास लेते हैं, इसी तरीके से आप इसे पढ़े और फिर देखना एग्जाम का एंजॉय कितना बेहतरीन आपका एग्जाम होगा, आपको भी मजा आएगा एग्जाम देने में। इसके बाद नॉर्वे की राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो नॉर्वे की जो राजधानी है वो है ओस्लो। तो आप याद रखना नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो। अब आइए देखते हैं 2022 का पुरस्कार। ये तो था पूरा बैकग्राउंड हमने जो जाना। वर्ष 2022 एबेल पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया? डेनिस पार्नेल सुलिवन को। डेनिस पार्नेल सुलिवन को, कौन सा? 2022 का पुरस्कार। अब अगर आपसे ये पूछ ले डेनिस को यह पुरस्कार क्यों दिया गया, बाई चांस पूछ सकता है ना यूपीएससी में पीसीएस में, तो इन्हें इसलिए दिया गया टोपोलॉजी में उनके योगदान वे डायनामिक सिस्टम पर अभूतपूर्व कार्य के लिए प्रसिद्ध है। ये जो डेनिस पांडेन सुलिवन है, ये जो हमारी टोपोलॉजी है उनमें उनका बेहतरीन योगदान है, और डायनेमिक जो सिस्टम है उसमें भी उनका बेहतरीन योगदान है। एक तो ये, और विशेष रूप से बीजगणित, ज्यामिति और गतिशील पहलुओं में इन सब क्षेत्रों में बेहतर कार्य के लिए दिया गया। तो याद रखना, फिर दोबारा बता रहा हूं पुरस्कार क्यों दिया गया, किसे? डेनिस पांडे सुलिवन को। भाई कुछ तो बेहतर किया होगा इसने, तभी तो पुरस्कार दिया गया। तो बाई चांस पूछ ले, एक तो दिया गया टोपोलॉजी और उनके योगदान में उनके योगदान और डायनेमिक सिस्टम पर अभूतपूर्व कार्य के लिए, दूसरा बीजगणित, ज्यामिति और गतिशील पहलुओं में इन सब क्षेत्रों में बेहतर कार्य के लिए दिया गया। तो इनमें बेहतर कार्य किया इसलिए दिया गया। अगर ये पूछ ले डेनिस पार्नेल सुलिवन किस देश के हैं, तो ये है आपके अमेरिका के गणितज्ञ हैं। कौन? डेनिस पार्नेल सुलिवन। मैंने एरो के निशान दे दिया आपको, डेनिस पार्नेल सुलिवन अमेरिका के गणितज्ञ हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, सुलिवन ने तर्कसंगत समरूप सिद्धांत बीजगणित टोपोलॉजी के उप क्षेत्र को समझाने का नया तरीका बनाया है। तो इन्होंने, किसने? सुलिवन ने तर्कसंगत समरूप सिद्धांत बीजगणित टोपोलॉजी के उप क्षेत्र को समझाने का एक नया तरीका इजाद किया है। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं 2021 का पुरस्कार एबेल किसे दिया गया था। वर्ष 2021 का एबेल पुरस्कार लेस्लो लोआज और दो लोगों को दिया गया था, अवी विजय रोज को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो 2021 का पुरस्कार दो लोगों को दिया गया था, 2022 का सिंगल को दिया गया। किसे किसे दिया गया था? लेस्लो लोआज और अवी विजय रोज को संयुक्त रूप से दिया गया था। वर्ष 2003 में प्रथम एबेल पुरस्कार, ये भी तो पूछ सकता है आपसे, पहला एबेल जो पुरस्कार है किस वर्ष दिया गया था? 2003 में एबेल पुरस्कार फ्रांस के गणितज्ञ, कारणा फ्रांस के गणितज्ञ जीन पियर सेर को दिया गया था। तो ये थी हमारी एबेल पुरस्कार से संबंधित इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को समझाया, बताया और पढ़ाया, और मुझे लगता था कि आपके एग्जाम के लिए थी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोगों तक पहुंचाया जाए जल्दी जल्दी। ये अभी दिया गया है, दो दिन पहले, एक ही दिन पहले हुआ, मतलब ये है कि 24 तारीख में दिया गया है। तो
तुरंत हम आपको जैसे ही अपडेट रहते हैं ये चीजें वो आप तक पहुंचा देते हैं। तो आप भी अपने अपने को अपडेट रखिएगा, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी किसी भी एग्जाम में। तो एक बार छोटी सी नजर मार लेते हैं, एबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 2002। एबेल पुरस्कार देने पहली बार कब दिया गया? 2003। किसे दिया गया 2003 एबेल पुरस्कार? जीन पियर को। कहां के थे? फ्रांस के गणितज्ञ थे। 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? डेनिस पांडियन सुलिवन को। और कहां गए? अमेरिका गए। इसके बाद एबेल पुरस्कार का नाम किसके नाम पर पड़ा? फ्रांस के नार्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ निल्स हेनरिक एबेल के नाम पर इसका नाम पड़ा। और कौन सी संस्था देती है? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। इसकी शुरुआत 2002-3 में। और एबेल पुरस्कार की जो रकम है वो है 60,00,000 नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वे की मुद्रा का नाम है नॉर्वेजियन। नॉर्वे की मुद्रा अलग कर दी, नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वे के वर्तमान पीएम एर्ना सोलबर्ग है। और नॉर्वे की जो राजधानी है वो है आपकी ओस्लो। तो आप इतना याद रखेंगे, अगर इतना भी आपके याद रहता है तो आप किसी भी एग्जाम में निश्चित होकर बैठिएगा, आपका इससे कोई भी अगर क्वेश्चन उठता है कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हम आपको कह रहे हैं। लेकिन आप बस बशर्ते पढ़े, आप इसे अच्छी तरीके से समझे और समझाए। आप एक से दो बार इसे पढ़ ले और लिख ले अपनी नोटबुक में, तो आप यकीन मानना किसी भी एग्जाम में बैठिएगा इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, एबेल पुरस्कार से अगर क्वेश्चन उठा दिया उसमें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ और नए टाइम के साथ। तब तक आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़े और आगे बढ़े। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिएगा, ताकि उन लोगों को भी कम समय में जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त हो सके। चलिए मैं आपका अपना टीचर पूछेगा।